लंबा डेंसिटी 36, मोलर मास 72, आगे बोलो। मोनोक्लोरल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एक है। कितना है प्रोडक्ट? एक है। ये तरह की प्रोडक्ट बन रहा है तो हाइड्रोकार्बन बताने हैं। ओनली वन मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, तो तुमको इसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन बताना है। हाइड्रोकार्बन फॉर हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके, तभी हम लिख सकते हैं 12 × n + 1 × 2n+2। और ये तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से 72 मेंशन है, तो 12n + 2n + 2 = 72, सो 14n = 70 या फिर n = 5। मतलब जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हुआ दैट इज C5H12। हाइड्रोकार्बन है C5H12, समझ में आया क्या? तो हाइड्रोकार्बन है C5H12, तो क्या हम लोग इसका अलग अलग स्ट्रक्चर में एक बना सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3? अगला इसका आइसोमर बना सकते हैं CH3, CH2, CH3 और यहाँ एक CH3। इसका अगला है आइसोमर बना सकते हैं CH3 bond, C bond, CH3 बॉन्ड CH3 और CH3। बोलो कौन है इसमें जो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट देगा, यही है ना? Yes, sir. ये कितना प्रोडक्ट देगा? 3 देगा। ये कितना देगा? 3 देगा ना? 4 देगा। 1, 2, 3, 4। और ये कितना देगा? 1 देगा। समझ में आया? 3 मोल का। यस सर, नोट करते जाओ ना। हाँ बोलो। CH4+CH2 in the presence of H new gives CH3+HCl। कितना? मतलब सर CH4+CH2 के CH3+HCl। अब भेज दिया करो मैम, ठीक है? बोलो क्या बोल रहा समझ में। सर मीथेन को रिएक्ट कराया ब्रोमीन से। हाँ। CH3Cl आ गया है प्लस HCl। CH3Cl और साथ में HCl। यस सर, तो लिखा है टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स ऑफ CH3Cl रेशियो ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन ईच। एग्जैक्ट रेशियो बनाना मुश्किल है, बट उसके लिए होना क्या चाहिए कि ये जो क्लोरीन है वो एक्सेस में होना चाहिए। हाँ देख, हम बता देते हैं इसका मतलब क्या है इस तरह के क्वेश्चन का। देखो और समझो, जब आप CH4 को CL2 से मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO, याद रखिए CH3Cl बनता है, साथ में याद रखिएगा HCl बनता है। लेकिन ये रिएक्शन ही रुकता नहीं है, फिर अगले स्टेप में CH3Cl जो है वो फिर से क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, HNO के प्रेजेंस में बनता है CH2Cl2 साथ में HCl। फिर से ये रिएक्शन रुकता नहीं है, फिर से होता है CH2Cl2 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HNO और बनता है CHCl3 साथ में HCl। वापस ये रिएक्शन रुकता नहीं है, CHCl3 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO और ये बनाता है CCl4 और साथ में HCl। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप अगर CH4 और Cl2 को HNO के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको CH3Cl, आपको CH2Cl2, आपको CHCl3
और साथ में आपको CCl4 ये चारों मिलेगा। यस सर। ठीक है, ये चारों मिलेगा। अच्छा, अगर ये चारों मिल रहा है, अगर ये चारों मिल रहा है तो आखिर हम लोग इसके प्रोडक्ट को बढ़ा कैसे सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज यील्ड ऑफ दिस? तो भाई पहले ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन इसके साथ कंबाइन कर जाए। पहले ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा ये रहे, मीथेन एक्सेस में होना चाहिए, समझे? उल्टा बोल देते। अगर मीथेन एक्सेस में होगा तब ना ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन कंज्यूम हो जाएगा, तो अगले स्टेप्स के लिए क्लोरीन नहीं बचेगा या कम बचेगा। तो मीथेन किस में होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। अगर ये एक्सेस में है देन CH3Cl हैव बेटर यील्ड। CH3 का यील्ड है ना, अच्छा होगा। क्लियर है? ठीक है, सीन एडिशन। जवाब एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या एक्टिव मेटल्स, तो याद रखिए जो एल्केन बनता है वो सीन एडिशन से बनता है, सीन एडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको डिस्कस करना है। रिएक्शन ऑफ, ऐसे बोलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन मेनली फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बेंजीन का जितना भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं ना, बेंजीन पे मेले 5 ग्रुप को आप ऐड करते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, कोई हैलोजन है, सल्फोनिक ग्रुप है, उसके बाद अल्काइल ग्रुप है और एसाइल ग्रुप है, एल्केनॉइल ग्रुप। तो वैसे पर्टिकुलर ग्रुप्स को जो आप ऐड करते हैं वो 5 का 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा डिटेल देखो यार ध्यान से। ये है हमारे पास बेंजीन, इस बेंजीन का आप कीजिए हैलोजिनेशन Cl2 in presence of lavis acid anhydrous AlCl3 something like that, ठीक है ना, anhydrous AlCl3 इस तरह का चीज। तो वैसे केस में यू गेट दैट क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन डायरेक्टली, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन, मतलब यहाँ एक्स जो है वो डायरेक्टली Cl2 या Br2 होना चाहिए, क्लोरो या। दूसरा, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं, अगर आप इसको रिएक्ट कराते कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देन नाइट्रोबेंजीन विल फॉर्म NO2, नाइट्रोबेंजीन विल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H विल फॉर्म। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं R बॉन्ड Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, कोई बता सकता है इस रिएक्शन का नाम? फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, वेरी गुड, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। और अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं R bond C double bond O bond Cl के साथ in presence of anhydrous AlCl3,
then C double bond O वाला फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो ये दोनों फ्रेडल क्राफ्ट का रिएक्शन है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन. आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली केवल और केवल ये पांच ग्रुप ही ऐड हो सकता है. आप बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल नहीं बना सकते, मतलब बेंजीन के ऊपर आप ओएच डायरेक्टली नहीं लगा सकते. बेंजीन के ऊपर आप ओएच डायरेक्टली नहीं लगा सकते. क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है. आप बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली NH2 भी नहीं लगा सकते. आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, मतलब पहले ये बनाना पड़ेगा. आपको ये पांच ग्रुप में से वो भी ग्रुप होगा बनाना पड़ेगा, उसके बाद किसी दूसरे ग्रुप में आप इसको बदल सकते हैं. बेंजोइक एसिड, बेंजीन से बेंजोइक एसिड आप डायरेक्टली बना सकते हैं. आप केवल और केवल ये पांच ग्रुप ही बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा सकते हैं. पांचों रिएक्शन हम लोग एक एक करके देखेंगे. इसके अलावा अगर बेंजीन के साथ कोई और ग्रुप है तो समझ जाना कि पहले इनमें से कुछ बनाना पड़ेगा और फिर उसको बदलना पड़ेगा. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखो इसका मैकेनिज्म का पोर्शन. Takes place in three steps. तीन स्टेप में होता है. सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल आप बनाएंगे E प्लस. सेकेंड है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल. ठीक है, प्रोटॉन का रिमूवल. ये तीन स्टेप में सारा का सारा ऐसे रिएक्शंस होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन हटता है और फाइनली आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. अब आप चीज देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पांच रिएक्शन है, पांचों रिएक्शन में से हर रिएक्शन में केवल और केवल पहला स्टेप डिफरेंट होता है, बाकी सेकेंड और थर्ड स्टेप सब में सेम होता है. जरा सुनना और समझना ध्यान से. फॉर एनी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डिफरेंट बट अदर टू स्टेप्स आर सेम. बाकी दोनों स्टेप सेम, बाकी दोनों स्टेप सेम. तो देखो जरा आपको जो समझा रहे हैं वो देखिए कि हम लोग यानी सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को देखते हैं. सेकेंड स्टेप में होगा क्या समझना जरा. फर्स्ट स्टेप हम नहीं लिख रहे, हम सबका अलग अलग लिखते हैं. सेकेंड स्टेप में देख क्या होगा. ये है मेरे पास बेंजीन, बगल में मौजूद है इलेक्ट्रोफाइल. बेंजीन का ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां अटैक करेगा. आप याद रखिएगा आप फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाए हैं, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, हम लिखेंगे. लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस बन गया वो सेकेंड और थर्ड स्टेप में पांचों रिएक्शन में एक जैसा काम करेगा. तो ई प्लस इस साइट पर अटैक करा तो तुम्हारे पास बन के तैयार हो गया ऐसा कुछ. यहां ई आ गया, एक हाइड्रोजन है प्लस यहां है और ये बॉन्ड. अब एक इसके बाद इसको मौका मिल जाता है कंजुगेटिव बॉन्ड सिस्टम का फायदा उठाने का और ये बॉन्ड यहां से यहां मतलब एक रेजोनेंस इसमें आता है. ई एच
यहाँ प्लस ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड उठ के यहां से यहां गया, ई एच, अब ये प्लस यहां आ गया डबल बॉन्ड यहां, फिर ये डबल बॉन्ड उठ के यहां से यहां गया एंड दिस इज द स्टेप। ठीक है, तो चाहो तो एक स्टेप और हम यहां बना दें, ई है भाई एच है प्लस यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब सोचो क्या इसके बाद प्लस ऊपर जाएगा, नहीं ना, यहां से फिर वापस जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इन तीनों स्टेप का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ई रहेगा एच रहेगा और प्लस इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक घूमता रहेगा। क्या तुमको ये रेजोनेंस समझ में आया? तो वैसे रिएक्शन में इस रेजोनेंस का कुछ काम नहीं है, बस तुमको बता दिया गया कि हाँ भाई देख ये रेजोनेंस होगा, जब ये प्लस है कंजुगेटेड सिस्टम है तो यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा। ये स्टेप टू। तो स्टेप थ्री क्या है? देखो ऑलरेडी जो एरिनियम आयन बना है, एरिनियम आयन, उस एरिनियम आयन पे कोई ना कोई प्रोटॉन या एनायन का अटैक होगा, एनायन आएगा, ए माइनस आएगा। अब ये एनायन जो है वो अभी बेस की तरह काम करेगा, ये काम करेगा बेस की तरह और ये आएगा हाइड्रोजन को लेने, तो हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हट जाएगा, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा ये ई आ गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ए के साथ एच आ गया, ए के साथ एच आ गया। ठीक है, ई आ गया और ए के साथ एच आ गया, क्लियर है? ये रहा तुम्हारे पास प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट। तो देखो कोई भी रिएक्शन है ना, हर केस में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। हम तुमको शॉर्ट में दिखाते हैं कि कौन किस केस में इलेक्ट्रोफाइल है। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा X प्लस, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा NO2 प्लस, अभी हम सब बता के दिखा देंगे। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा SO3, SO3H, SO3H, मान लो यहां प्लस, यहां पे आएगा R प्लस और यहां पे आएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C पे प्लस। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल सब केस में बनना है, तो पहला स्टेप हर केस में अलग अलग होगा, अदरवाइज सेकेंड और थर्ड स्टेप सब केस में सेम होगा। इतना नोट करो, फिर और भी आगे दिखाते हैं, नोट करो बढ़िया से। अब देखो एक एक करके सब कुछ, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हैलोजिनेशन रिएक्शन, बेंजीन को CH2 से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl3, तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl भी बनता है। कैसे बनता है तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, Cl बॉन्ड Cl जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा AlCl3 में एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है Cl- को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो जब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ जाता है तो एल्यूमिनियम उसको अपने साथ ले लेता है, तो एक Cl+ बचता और साथ में बनता है AlCl4-। तो जो Cl प्लस बना वही है इलेक्ट्रोफाइल, और बाकी हम शॉर्टकट में दिखा देते हैं। सेकेंड स्टेप में ऐसा होता है कि जो हम लोगों का Cl प्लस है वो जाके यहां अटैक करेगा, प्लस यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन है यहां, ध्यान रखना अब रेजोनेंस नहीं दिखा रहे हैं, और फिर थर्ड स्टेप में देखना
Cl है, हाइड्रोजन है, यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड। तो होता क्या है कि जो हम लोगों का AlCl4- है, ये माइनस वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, Cl बॉन्ड 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 और साथ में HCl और साथ में फिर से AlCl3 अलग, AlCl3 अलग, AlCl3 अलग, जो आप कैटलिस्ट यूज किए थे वो लास्ट में अनचेंज। स्टेप वन अलग है, बाकी स्टेप टू और स्टेप थ्री आप देख रहे हैं ना, वही चीज है। सेकंड देखिए, नाइट्रेशन, जब आप इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप आएगा और ये सब साथ में H2O अलग और फिर से H2SO4 अलग हो जाएगा ऐसा। तो अब इसका मैकेनिज्म देखो, सबसे पहला स्टेप H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O HNO3 है ये और साथ में H O S डबल बॉन्ड O बॉन्ड O के साथ H H2SO4 है, समझना जरा। अच्छा अकेले अगर तुमसे अकेले में कोई पूछे कि अकेला HNO3 एसिड है या बेस, एसिड है, H2SO4 एसिड है या बेस, एसिड है, दोनों एसिड है, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों आप यूज कर लिए तो अब चाहो ना चाहो ये एसिड है और ये किसकी तरह है, तो भाई एसिड है तो H+ देगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O- ले लिया H+, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को दिया, तो देख क्या होता है, थोड़ा शॉर्टकट में समझना, यहीं पर H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और O के साथ H प्लस और यहां पे आ गया है O माइनस SO3H। अब O प्लस रखेगा नहीं, वो नाइट्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सो आपको मिलने वाला है वाटर NO2 प्लस और HSO4 माइनस। क्या ये तीनों चीज समझे, यही है पहला स्टेप, कौन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अगेन सेकेंड स्टेप, NO2 में नाइट्रोजन पे प्लस, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये इधर से इधर आ गया, NO2 H प्लस बॉन्ड और बॉन्ड, ये सेकेंड स्टेप था भाई आपका। ये रहा आपका थर्ड स्टेप, देखिए ध्यान से, NO2 H प्लस बॉन्ड बॉन्ड, बगल में मौजूद है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया और ये माइनस जाके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया NO2 और ये हो गया H2SO4 अगेन। फिर से देखो, याद है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, H आया, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत स्टेप में कोई ना कोई एनायन बन जाता है, शुरुआत स्टेप में कोई ना कोई एनायन बन जाता है और वही एनायन आगे जाके प्रोटॉन को हटाने में मदद करता है, शुरुआत स्टेप में कोई ना कोई एनायन बन जाता है और वही एनायन लास्ट स्टेप में जाके प्रोटॉन को लेके H+ को लेके अलग होता है। क्या ये लाइन समझ में आ रहा, चलो नोट करो दोनों, दो तीन और है खत्म कर देंगे। क्या हम केवल फर्स्ट स्टेप लिख देंगे तो बाकी दोनों छोड़ देंगे, कर लेगा? यस सर, यस सर, यस सर। थर्ड देखो, सल्फोनेशन,
इसको आप रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर आप लिखते हैं फ्यूमिंग SO3। तो ऐसे केस में आपको मिलता है SO3H, ठीक है, SO3H। अब जरा देखना इसमें इसके एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में आप इस बार फ्यूमिंग क्या लिखे, फ्यूमिंग SO3। SO3 कैसे, आप इस बार दो मॉलिक्यूल लिए हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, ठीक है। अब चाहो नहीं चाहो, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल लेता है तो एक H प्लस देता है दूसरा H प्लस लेता है, उसी तरह का दो सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक H प्लस देगा दूसरा H प्लस लेगा। सो व्हाट यू गेट दैट, मान ले यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया और बना H बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H। यहां O के साथ H आया, O पे प्लस आया और साथ में O माइनस SO3H। फिर से बात वही होगा कि यहां का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, समझा क्या? Yes, sir. तो अगले स्टेप में वाटर सल्फर पे प्लस, सल्फर पे प्लस O3H और फिर यहां ऑक्सीजन पे माइनस SO3H, ये एनायन हो गया आपका और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, कर लेगा आगे काम? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका सेकेंड और थर्ड स्टेप जब आप नोट करना तो सेकेंड और थर्ड स्टेप दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बाय नेचर, मतलब कंडीशन बदल के आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा के एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो एक कंडीशन ऐसा मानो कि राइट में ही नहीं ये लेफ्ट में भी जाता है, रिएक्शन है ना रिवर्सिबल। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग इसमें दोनों स्टेप अगला लिख लीजिएगा। अब देखो थर्ड फोर्थ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, स्पिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में है कि ये रहा हम लोगों का बेंजीन, इसको रिएक्ट कराएंगे आर बॉन्ड सीएल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और तुमको मिल जाएगा अल्काइल बेंजीन साथ में HCl, अल्काइल बेंजीन साथ में HCl, ठीक है। जरा बात करना इसके मैकेनिज्म पे, पहला स्टेप जो हम लोगों के R बॉन्ड Cl है वो रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले तुम क्लोरीन के बारे में सीखा था। Cl यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और AlCl3 के साथ कंबाइन कर जाता है तो आपके पास बनता है R प्लस और AlCl4 माइनस, ये R प्लस है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और फिर ये रहा एनायन। क्या अगला दो स्टेप तुम सोच पा रहा है? Yes, तो प्रॉपर जगह छोड़ना और फिर फिफ्थ वाला मैकेनिज्म देखो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको रिएक्ट करा रहे आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो आपको बनता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R और साथ में HCl। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप मेरे पास है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl जैसे यहां था और मेरे बगल में मौजूद है AlCl3, होगा वही कहानी
ये सीएल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा ये जाके एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन कर गया तो तुम्हारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल बना आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सी पे प्लस और एनायन बना AlCl4 माइनस तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ एनायन बाकी दोनों स्टेप का अटैक आप करा लेंगे कर लेंगे ना yes, sir. Yes, sir. चलो नोट करो लेकिन इसको कंसेक्यूटिवली ऐसे डायरेक्ट नहीं नोट करना यहाँ जगह छोड़ना अपना जगह छोड़ना जगह छोड़ेगा तभी भरेगा नहीं तो सब खा पका के भरा दो हाँ कर देते हाँ नहीं तो छोड़ना भूल जाएगा ना yes. चलो करो पढ़ा एनर्जी लेवल डायग्राम एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे दो स्टेप इंपॉर्टेंट है एक स्टेप जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है और तुम्हारे पास बनता है एरिनियम आयन ई यहाँ प्लस एरिनियम आयन प्रोटॉन देता है और फिर अगले स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमूवल ऑफ एच प्लस और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आता है कि ये जो एरिनियम आयन है इसमें भी तो रेजोनेंस है क्या सही है ना हैव सम रेजोनेंस देखा था ना अभी yes, अच्छा अगर सब इसमें सब रेजोनेंस है तो फिर ये क्यों एच प्लस देख उसमें जाना चाहता है मतलब अभी फिर केस में एच प्लस क्यों निकलता जब ऑलरेडी इसमें रेजोनेंस है तो स्टेबल है तो अपने से सोचो एनर्जी लेवल पे इससे इसका एनर्जी कम ना होगा लेस एनर्जी इसका ज्यादा एनर्जी ये एक तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट है मतलब क्या क्या बोले जा रहे हैं पहला स्टेप स्लो होता है सेकंड स्टेप फास्ट है तो देख क्या होता है इधर एनर्जी इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहां पे तुम्हारे पास बेंजीन है और ई प्लस है और यहां तुम्हारे पास है एरिनियम आयन ये एरिनियम आयन इंटरमीडिएट और फिर ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ठीक है ये हमारे पास पहला ट्रांजिशन स्टेट ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट वन और ये तुम्हारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट टू ये तुम्हारे पास इनिशियल ये तुम्हारा एरिनियम आयन क्या आप ये फिगर समझ रहे हैं yes, हमेशा ध्यान yes. रखिएगा हम तुमको छिपा हुआ इंफॉर्मेशन देते हैं इस लेवल से अगले लेवल का एनर्जी कम ही होना चाहिए क्या बोल रहे हैं सर देख क्या बोल अगर एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वन से एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टू कम होगा रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाता है तो ये कम है ना फॉरवर्ड आएगा लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट वन
और ट्रांजिशन स्टेट टू का एनर्जी बराबर हो जाए, रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। क्या आप समझ गए सल्फोनेशन में क्या हो रहा होगा? Yes, sir. सल्फोनेशन में बनाया गया था ना, बोला गया था ना रिवर्सिबल। Yes, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। Yes, तो उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, समझ रहा क्या? Yes, sir. लेकिन यहाँ केवल आगे, यहाँ केवल आगे, क्योंकि एनर्जी कम है, आगे जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट वन से ट्रांजिशन स्टेट टू का एनर्जी बड़ा हो जाए, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने से नहीं होगा, उसको लगातार आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर कोई तुमसे फिगर बना के बोल दे कि देखो भाई एक फिगर ऐसा है, एनर्जी है, प्रोग्रेस है, एनर्जी है, प्रोग्रेस है, तो ये सब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इस बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप किधर ऑर्थो पारा डायरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन मेटा डायरेक्टर होता है, ये सब तो आप जानते हैं ना, याद है आपको, मेटामेरिज में आपको पढ़ाया गया था। सॉरी, क्या पढ़े थे हम लोग? थोड़ा सा दो तीन आप अलग अलग चीज पे थोड़ा ध्यान देना, फिर हम आपको बता देंगे आपका डायरेक्टिंग इफेक्ट। साइड चेन हैलोजिनेशन, मान लो जैसे हम लोग के पास ये बेंजीन रिंग है और यहां लगा है CH3। अगर आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और आप इसको रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन, दोनों में अंतर। जब आपका क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ होगा तो याद रखना ऐसी रिएक्शन होगा, और CH3 एक ऑर्थो पारा डायरेक्टर है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो मिथाइल ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में क्लोरीन को या तो ऑर्थो साइड पे या फिर उस क्लोरीन को पारा साइड पे भेज देगा, ऑर्थो साइड पे या पारा साइड पे क्लोरीन को भेज देगा, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा हीट का सिंबल लगाते हैं या फोटोन लगाते हैं, याद रखिएगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन। जो साइड में चेन आपको दिखाई दे ना, उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा CH2Cl। समझा क्या? ठीक है। इसके अलावा आप यहां पे NBS भी ले सकते हैं, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसका काम होता है, इसका काम होता है बेंजाइलिक और एलाइलिक ब्रोमिनेशन, बेंजाइलिक पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना। तो जो तुम्हारे पास बेंजाइलिक पोजीशन है, यही है ना बेंजाइलिक पोजीशन, यहां भी आ रहा जाएगा। अच्छा, बेंजाइलिक पोजीशन आप जानते हैं? बेंजीन के ऊपर जो CH3 अटैच्ड है, दिस इज बेंजाइलिक। क्या ये मॉलिक्यूल का कोई कॉमन नेम बताएगा?
इस मॉलिक्यूल का जी टॉल्विन मिथाइल बेंजीन टॉल्विन मिथाइल बेंजीन ठीक है। अब देखो जैसे हम तुम्हारे सामने और एग्जांपल देते हैं समझो सपोज तुम्हारे पास है ये बेंजीन है इस बेंजीन को पहले CH3Cl से रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ए बना फिर जो ए बना उसको रिएक्ट करा दो फिर जो ए बना उसको रिएक्ट करा दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बी बना जो ए बना उसको रिएक्ट करा दो K2Cr2O7 के साथ C बन जाएगा जो A बना है उसको रिएक्ट करा दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO के साथ D बन जाएगा जो D बन रहा है उसको रिएक्ट करा दो एक्वस KOH के साथ E बन जाएगा जो D बना है उसको रिएक्ट करा दो KCN के साथ E के बाद F बन जाएगा ठीक है। अच्छा जो डी बना है उसको रिएक्ट करा दो एक और बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बोलते हैं आपको ए बी सी डी सबका स्ट्रक्चर समझ ना आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा बहुत बात बहुत बड़ा बात है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ए जो है वो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि वो ये है क्या समझा फिर बी जो है वो भी सबको समझ में आ गया होगा उधर तुरंत पढ़ा है CH3 यहां CL या यहां CL ठीक है कर लेते और तो यह पारा प्रोडक्ट ओके। फिर जो सी है हम लोगों का वो कौन है बोलो सी है एक्चुअली बेंजोइक एसिड जो मिथाइल ग्रुप है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके अपने आप को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा समझे। तो हम ए का स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं बाकी आप देखते चलिए यहीं से। तो मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके बेंजोइक एसिड मिथाइल ग्रुप से सीएल आ गया ऑर्थो पे। अब यहां देखो डी क्या है डी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl बताओ E क्या है बोलो CH2OH Cl को हटा के OH लगा दो aqueous OH क्लोरीन को हटा के उसके जगह पे लग जाएगा तो बन जाएगा CH2OH मिथाइल अल्कोहल सॉरी बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद बताओ F क्या है बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा बस उस पर्टिकुलर Cl को हटा के उसके जगह पे CN लगा दो। अब बताओ F के बाद यहाँ एक G है G क्या है एकदम सही यहाँ पे हम G के लिए रिएक्शन लिखते देखना देख CH2Cl है ना और जब तुम इसको एक बेंजीन से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो फिर से देख एक Cl हट जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप जाके इससे जुड़ जाएगा क्या समझे yes. तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ऐसा ये रहा प्रोडक्ट। अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन लिखते हैं बहुत अभी याद आ गया देख लीजिए ध्यान से इसको रिएक्ट करा दो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 से एंड दिस इज इन एक्सेस सॉरी
क्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हम सोच रहे हो। चलो नहीं नहीं उसमें अल्काइल लाना होगा ना, अल्काइल लाना होगा। अच्छा देखो ना, हम यही बताते हैं, ये है ना, अगर आप इसको एक्सेस सीएल टू एच न्यू से रिएक्ट करा दीजिएगा, एक्सेस सीएल टू एच न्यू से, तो क्या धीरे धीरे करके यहाँ पे तीन सीएल आ जाएगा? बोलो जी, बोलो, समझा? और अगर हम इसको रिएक्ट करा देंगे, अगर हम इसको रिएक्ट करा देंगे एक्सेस ऑफ बेंजीन से, अब क्या होगा बोल? तीनों सीएल हट के धीरे धीरे, तीनों सीएल हट के धीरे धीरे इसके साथ चार बोरिंग ऐसे जुड़ जाएगा। यस सर, बस यही रिएक्शन हम वहां बनाना चाह रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर हम इसमें एक्सेस क्लोरीन H2 डाल दें तो धीरे धीरे सब हाइड्रोजन हट के सीएल आ जाएगा, और फिर इसको अगर हम लोग एक्सेस बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट करा दें तो फिर एक एक करके सब सीएल हट के बेंजीन भी आ जाएगा। नहीं समझा? यस सर, समझ गया। चलो नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट। कौन सा? ये वाला? देखो यहाँ पे, अच्छा इस रिएक्शन का काम क्या था कि साइड में जो हाइड्रोजन रहेगा उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह सीएल लाना। देखिए हाँ ना बोलेगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी जो बोले वो समझ में आएगी। बोलते रहना, थोड़ा माइक ऑन रखो, अभी बोलते रहो, तुम्हारा ही डाउट है तो तुमको समझना जरूरी है। तो CH3 में Cl2 है तो एक H हट के एक Cl आया। Yes, sir. अगर ये क्लोरीन एक्सेस में रहता तो दो और हाइड्रोजन हट के दो और Cl आ जाता। Yes, तो आप वही लिखे कि जब इसके साथ आप क्लोरीन को एक्सेस में रखिएगा तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और हट जाएगा और तीनों जगह Cl आ जाएगा। Yes, sir. अब देखो जैसे एक सीएल था तो बेंजीन से रिएक्शन करके कैसे सीएल हट के रिंग आ गया इधर वाला। उसी तरह यहाँ पे अगर ये बेंजीन एक्सेस में होगा तो एक एक करके तीनों सीएल तीन स्टेप में हट जाएगा और तीन रिंग आएगा, और पहले से एक रिंग था। यस सर,